नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या एंड्यूलिमस मेथड यूज़ करके हम किसी एक पोर्ट्रेट फेस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एज इट इज़। तो स्टूडियो चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एंड्यूलिमस मैथड यूज़ करके हम किसी एक पोर्ट्रेट फेस को ड्रॉ कर सकते हैं देख करके एज इट इज़। तो चलिए स्टूडियो चलते हैं और इसके बारे में फिर फर्दर वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं स्टूडियो में फ्रेंड, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो एक बार ब्रीफ़ करते हैं कि एंड्यूलिमस मेथड एक्चुअली है क्या। तो देखिए, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और मैं किसी एक पर्सपेक्टिव में फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें वो बंदा ऊपर की ओर देख रहा है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड देन मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ की, इंक्लाइन लाइन, और उसकी लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आप देख रहे होंगे। फिर साइड्स में मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, जो सर्किल का पर्पस खाली इतना है कि ताकि आपको साइड्स में ईयर वगैरह आइडेंटिफाई करना इजी हो। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, इसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करी और उतनी ही इक्वल लेंथ की नीचे भी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे फिर एक और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ प्लॉटिंग हो गई है, समझ लीजिए आप फेस की। अब इसके बाद जो फेस होगा वो हमारा इन्हीं लाइन से गाइडेड होगा। देखिए किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आदमी जो है ऊपर की ओर देख रहा है, तो सारे पर्सपेक्टिव जो होंगे वो उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर चले जाएंगे। जैसे कि आइज़ हो गया, जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ करी, और ये लाइन हो गई नोज़ की लाइन, और उसके नीचे आएगा लिप्स, जो कि सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो है चिन की लाइन। तो इस तरीके से देखिए, बड़ी ही आसानी के साथ हमने उस पूरे फेस को पर्सपेक्टिव एंगल में बिना किसी और मेजरमेंट के ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ें कठिन लगती हैं और लगनी भी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस हो जाते हैं ना फ्रेंड, तो ये फिर अभी जैसे कि अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया हूँ उसमें, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी एंगल के फेस को ड्रॉ करने में। बस बात इसी चीज़ की है कि आप कितने इसमें प्रैक्टिस हैं, कितने दिन से आप इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस हो जाते हैं, फिर आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी पेंसिल को यूज़ करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी एंगल को। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया, ये सब जेनरिक फेसेस के लिए है, बहुत इजीली जो आप समझ रहे हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं चारकोल यूज़ कर रहा था, अब मैं वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए, अब मैंने पर्सपेक्टिव एंगल चेंज कर दिया, अब ये बंदा नीचे की ओर देख रहा है। मैंने कईयों बार इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे हर बार लगता है कि मैं आपको इस तरीके से बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ कि आप जेनरिक फेसेस की ड्राइंग, जेनरिक फेसेस कहा जाए तो ऐसे समझिए कि जो जनरल फेसेस अगर कहें, जिसको स्टडी करने के लिए आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट एंगल में ऐसे फेसेस को आपको ड्रॉ करना है, पोर्ट्रेट मेकिंग नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, एक और एग्जांपल हमने देखा और मैंने यहाँ पे इस बंदे को नीचे की ओर देखते हुए ड्रॉ कर दिया। तो जेनरिक फेसेस तो मैंने ड्रॉ कर लिया, बट अगर हमें किसी एक आदमी को पर्टिकुलर, जैसे हमने एक इमेज देखी रियल इमेज, और उसको इस पे ड्रॉ करना हो, तो हम क्या करेंगे उसको, अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अब ये देखिए, यहाँ पर्सपेक्टिव मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के फेसेस को आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी आर्ट की स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने का ये मतलब है कि आप सीख सकते हैं कि कितने एंगल से मुझे फेस को ड्रॉ करना है और कितने ज़्यादा मैं उसमें मेरा पर्सपेक्टिव थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से सही होना चाहिए, प्रोपोर्शन सही होने चाहिए फेस के। यहाँ देखिए, मैंने एक और एंगल यूज़ करके ड्रॉ कर दिया। अभी क्या है, अगर हमें किसी रियल इमेज को ड्रॉ करना है, रियल इमेज आपको दिख रही है पर्टिकुलर एंगल में और आपको एंड्यूलिमस यूज़ करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पेंसिल के मेजरमेंट्स को भी हेल्प लेनी पड़ेगी, खाली एंड्यूलिमस से तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं आप, कि जैसे आपने सपोज़ एक सर्किल ड्रॉ किया ड्राइंग के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ऐसे एक सर्किल ड्रॉ किया शुरू में और ये एंगल देख लिया कि किस तरफ वो बंदा देख रहा है, सपोज़ इस एंगल में वो बंदा देख रहा है रियल इमेज में, ठीक है, यहाँ मैं इमेजिनेशन पे चल रहा हूँ अभी खाली, और यहाँ पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जस्ट टू गेट द ईयर थिंग। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेजरमेंट्स लूँगा उसी रियल इमेज में और उसी को यहाँ पे प्लॉट कर दूँगा। अब ये कैसे करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे कि अगर हम सर्किल जो है मेन वाला वो हम इक्वल लेंथ का ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे जो रियल इमेज में है वो ही, तो उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी अंदर की वो हम बस यहाँ मेजर करते जाएंगे और प्लॉट करते जाएंगे। यहाँ मैं केवल रफली तो आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है, करेंगे हम इसका एक वीडियो भी बनाएंगे पूरा का पूरा और देखेंगे कितना परसेंट तक वैल्यूज़ मैच करते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ट्राई नहीं किया है,
तो मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। और उसमें अभी मैंने आपको बस ये बता दिया कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, फिर जब साथ में सीखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, फिर उसमें मेरा ये वाला टाइम नहीं जाएगा जो मैं ये वीडियो बता के आपको समझा रहा हूँ। तो आपको करना यही है कि आपको पहले तो सेम साइज़ का सर्किल ड्रॉ करना है, सपोज़ आप पेंसिल मेजरमेंट में जैसे करते हैं अभी सेम पे चलेंगे, बाद में फिर छोटा बड़ा के लिए आगे फिर वीडियोस बनाएंगे कि कैसे उसको प्रोपोर्शन वाइज बड़ा किया जाए, डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए। लेकिन अगर सीखना है तो यही तरीका है सीखने का, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप सीख सकें एंडुलेमस के थ्रू अगर आपको ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं एक बार फिर से कि कैसे करना है आपको। और देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये अपने एक सर्किल ड्रॉ किया सेम साइज़ का करेंगे, और उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और उसके बाद मेजर करना शुरू करेंगे जो रियल इमेज में है उसी को पेंसिल मेजरमेंट को यहाँ प्लॉट कर लेंगे। तो अब यहाँ दोनों मेथड यूज़ हो गए, एंडुलमस भी यूज़ हो गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे एंडुलमस की प्रैक्टिस भी हो रही है साथ में साथ, और इसकी भी हो रही है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है कि हम एक्चुअल इमेज को कितना ज़्यादा हम रियल में ला पाते हैं उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो अभी इतना ही फ्रेंड्स, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इसके बनाएंगे हम आगे चल के उसमें देखेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी इसका वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में इसमें बात किया हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।